हेलो। सो मैं आज आप लोगों को सी लैंग्वेज में सबसे पहला प्रोग्राम बताने जा रही हूँ कि सबसे पहला प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि उस कोड को, सी प्रोग्राम के कोड को कहाँ पे लिखें। सो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। सो कहता है कि अगर सी लैंग्वेज में आपने कोड लिखना है तो कोड लिखने के बाद हम उसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं। इट मे बी विंडोज़, इट मे बी लाइनक्स, इट मे बी मैक। सो मैं आज यहाँ पे विंडोज़ 2007 64 बिट वर्ज़न को यूज़ करने वाली हूँ। सो अगर हमने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना है तो उसके लिए हम या तो टर्बो सी प्लस प्लस या बोरलैंड सी प्लस प्लस या विजुअल स्टूडियो और वी कैन से डॉस बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्रामर जैसे मोस्टली या तो वो टर्बो सी प्लस प्लस या बोरलैंड सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं। तो मैं भी आज यहाँ पे बोरलैंड सी प्लस प्लस पे काम करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द राइटिंग ऑफ द कोड। सो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें वो सॉफ्टवेयर चाहिए जो मेरे कंप्यूटर में सबसे पहले इंस्टॉल है। तो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है बोरलैंड सी प्लस प्लस। मैं बोरलैंड सी प्लस प्लस के लिए इस आइकन पे क्लिक करूँगी। आप देखें यहाँ पे मैंने टास्क बार पे, यहाँ पे हमारे पास एक आइकन पड़ा हुआ है सी प्लस प्लस लिखा हुआ। इट इज़ अ आइकन ऑफ बोरलैंड सी प्लस प्लस। या तो अगर आपने उस प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो या तो इस पर डायरेक्ट क्लिक कर दें या फिर आप स्टार्ट बटन पे जाएं और यहाँ पे जाके टाइप कर सकते हैं बोरलैंड सी प्लस प्लस। आप देखें जैसे ही टाइप करने लगेंगे तो हमें यहाँ पे लिस्ट में बोरलैंड सी प्लस प्लस का आइकन दिख जाएगा, जहाँ पे जाके हम उस कोड को, उस आइकन पे क्लिक कर देंगे। जब हमने आइकन पे क्लिक किया तो आप देखें हमें वो बोरलैंड सी प्लस प्लस का विंडो जो है हमारे सामने अपेयर होगी। अब हम इसमें जाके वो कोड लिखना शुरू करेंगे। लेकिन अगर हमने वो कोड लिखना है तो कोड लिखने के लिए हमें वो पेज चाहिए, कोड एडिटर चाहिए जहाँ पे कोडिंग लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल पे क्लिक करेंगे, देन न्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन हमारे पास एक टेक्स्ट एडिट का ऑप्शन आता है, हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वो विंडो अपेयर होगी, कोड एडिटर अपेयर हो जाएगा जहाँ पे हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। सो आई एम राइटिंग हियर टू फॉरवर्ड स्लैशेस देन माई फर्स्ट प्रोग्राम, देन नेक्स्ट लाइन पे हैश इंक्लूड stdio.h, देन हैश इंक्लूड conio.h, देन वी हैव वन मोर वॉइड मेन स्टेटमेंट ब्लॉक्स इनसाइड इट। आई एम गोइंग टू राइट printf वेलकम यू इन सी लैंग्वेज एंड आई एम राइटिंग हियर गेट ch ब्रैकेट्स सेमी कॉलन। सो मैंने यहाँ पे ये जो कोड लिखा है ये लिखा है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट काम है, एक तो इसे कंपाइल करना है, रन करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये सारे काम कैसे करने हैं, कि हम उस प्रोग्राम को रन कैसे करें, कंपाइल कैसे करें। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे मेन काम होता है कि हम उस फाइल को सेव कर लें। सो अगर आपने उस फाइल को सेव करना है तो हम क्या करेंगे, या तो फाइल मेन्यू में सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक स्मॉल सा टूल दिया गया है जिसमें टूल टिप वैसे भी लिखा हुआ है, आप नोटिस करें यहाँ पे लिखा हुआ है सेव। अगर आप इस पे क्लिक करें तो भी हमारे पास सेव एज फाइल की विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने जहाँ पे भी सेव करना है इसको सेव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एफ ड्राइव को चूज़ किया है और यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर बना पड़ा है जिसका नाम है सी प्रोग्राम। मैं इस पे डबल क्लिक करूँगी और यहाँ पे आके फाइल को नाम दे दूँगी। अब मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ सी लैंग्वेज में, तो मैं यहाँ पे फाइल को नाम देने के बाद उसके एंड में लगा दूँगी डॉट सी, इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज, राइट। तो अब हमारा कोड जो है ये एफ ड्राइव में, आप नोटिस करें यहाँ पे इसकी टाइटल बार को, एफ ड्राइव में सी प्रोग्राम फोल्डर है उसके अंदर फर्स्ट डॉट सी के नाम से सेव हो गया। नेक्स्ट मेरा टास्क है कि मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँ।
प्रोग्राम को कंपाइल करने का क्या फ़ायदा होता है कि जिसके थ्रू हमारा प्रोग्राम या हमारा सॉफ्टवेयर ये चेक करता है कि प्रोग्राम में कोई एरर वगैरह तो नहीं है, और अगर कोई एरर है तो उस एरर मैसेज को दिखाने वाला होता है डीबगर। डीबगर बताता है कि कौन सा एरर है और किस लाइन नंबर के ऊपर है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम कंपाइल करना पड़ता है। और कंपाइलेशन करने का एक और मेन रीज़न है कि इसके थ्रू जो है हमारा जो कोड है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद मैंने आपको बताया था कि .obj फाइल बनती है। सो अब अगर आप लोगों ने अगेन कंपाइल करना है, या तो आप इस आइकन पे क्लिक कर दें जहाँ पे बिल्ड प्रोजेक्ट ऑप्शन आ गया है, या फिर आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पे जाएंगे, प्रोजेक्ट मेन्यू पे, और वहाँ पे आप नोटिस करें यहाँ पे कंपाइल का ऑप्शन आ रहा है, या इसका एक शॉर्टकट भी है जिसका है और शॉर्टकट का नाम है Alt+F9, या आप यहाँ से भी उस प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं आपको जैसा ठीक लगे। सो मैं यहाँ पे ही ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आप नोटिस करें उसने उस प्रोग्राम को डीबग किया, और यहाँ पे हमें उसने बता दिया कि यहाँ पे नो एरर एंड नो वार्निंग। अब मैं इस पे ओके पे क्लिक करूँगी। अब मेरा अगला काम क्या है कि मैंने इस प्रोग्राम को रन करना है। सो मैं प्रोग्राम को रन करने के लिए अगेन या तो यहाँ पे रन ऑप्शन पे क्लिक करूँगी टूल बार में जाके, या फिर आप डीबग में जाके रन पे क्लिक करें, और जिसका शॉर्टकट भी आप नोटिस करें Ctrl+F9 मींस ये, या तो आप कीबोर्ड से ये वाली की प्रेस कर सकते हैं। तो मैं अगेन यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मेरे पास एक विंडो अपेयर हुई जिसमें जो भी मैंने प्रिंट एफ के अंदर लिखा था वो मुझे यहाँ पे अपेयर हो गया। बट अभी तक स्टिल ये हमारी विंडो होल्ड है, अभी तक हमें आप नोटिस करें कर्सर दिख रहा है। अब कहता है कि जैसे आप कीबोर्ड से कोई करेक्टर एंटर करेंगे तो अगेन हम अपनी कोड विंडो में पहुंच जाएंगे। तो ये था हमारा सी लैंग्वेज में सबसे पहला प्रोग्राम। अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे वॉइड मेन में। वॉइड मेन लैंग्वेज में क्या है, एक मेन जो है हमारा एक फंक्शन है, और लैंग्वेज में कहता है फंक्शन के साथ ये जो ब्रैकेट्स लगी हैं इसे कहते हैं पैरेंथेसिस। और सी लैंग्वेज में एक रूल है कि कहता है जिस भी वर्ड के साथ हमें ये पैरेंथेसिस दिखे उसे कहा गया है फंक्शन। और साथ में फंक्शन के लिए ये ब्लॉक्स भी मिलते हैं जिसके अंदर हम उस फंक्शन की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। तो ये जो फंक्शन है इसकी जो ये ब्लॉक हैं इसे कहते हैं बिगनिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, और इसे कहते हैं एंडिंग या वी कैन से क्लोजिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम मेन प्रोग्राम की सारी ही स्टेटमेंट्स को लिखेंगे, मेन प्रोग्राम या फंक्शन कह सकते हैं। साथ में मेन में हमने लिखा है void जिसे कहते हैं रिटर्न। तो जब भी कोई फंक्शन काम करता है तो काम करने के बाद वो एक वैल्यू भी रिटर्न करता है, लेकिन आज मैं इस फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहती। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा void, और void का मतलब है नथिंग। नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं। तो मेन एक ऐसा फंक्शन है जो रिटर्न नहीं करेगा। अब उसके बाद कंट्रोल क्या करेगा, इस ब्लॉक में एंटर करेगा, मैं जो अभी आपको बता चुकी हूँ कि कर्ली ब्रेसेस जिसे कहते हैं बिगनिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, उसमें एंटर करने के बाद ब्लॉक में कंट्रोल को सबसे पहली लाइन दिखेगी प्रिंट एफ। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि प्रिंट एफ के अंदर हमने जो भी लिखा था वेलकम यू इन सी लैंग्वेज, ये हमें उस कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ आया था। तो प्रिंट एफ फंक्शन ये भी एक फंक्शन ही है, क्योंकि आप नोटिस करें इसमें भी पैरेंथेसिस लगी हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं तो आप नोटिस करें तो अगेन ये भी क्या है, हमारे फंक्शन ही है प्रिंट एफ। पर ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी पैरेंथेसिस में हम कुछ लिख भी रहे हैं, जिसे कहते हैं फंक्शन के आर्गुमेंट। कि प्रिंट एफ फंक्शन जब काम करता है तो उसे काम करने के लिए आर्गुमेंट्स चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए। तो प्रिंट एफ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आर्गुमेंट लेता है बट जिनकी टाइप है स्ट्रिंग। और लैंग्वेज में स्ट्रिंग का मतलब है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जिसे हम सिंपली इंग्लिश में, जैसे मैंने ए लिखा तो ए का मतलब है इंग्लिश में हम जिसे कहते हैं अल्फ़ाबेट, बट कंप्यूटर में उसे टेक्निकली कहा गया है कैरेक्टर। वैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि कंप्यूटर या लाइक आई हैव दिस स्ट्रिंग लाइक कॉम्प्यू हेल्प, तो अगर यही वाली पूरी चीज़ अगर हम इंग्लिश में लेके चले तो हमें इसे सेंटेंस कह सकते हैं, बट कंप्यूटर में से टेक्निकली कहा गया है स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग का मतलब है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट, कि जब बहुत सारे कैरेक्टर्स इकट्ठे मिलेंगे तो क्या बनेगी, एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स चेन, चेन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। सो प्रिंट एफ एक ऐसा फंक्शन है जिसे चाहिए आर्गुमेंट्स, राइट। बट कंट्रोल जब यहाँ पे आए तो स्टिल अभी उसे पता नहीं है इस फंक्शन का क्या काम करना है। तो वो सबसे पहले क्या करेगा,
इस फंक्शन ने क्या काम करना है, उसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सर्च करेगा, तो वो ऐसे बॉटम जाएगा, फिर से कर्सर ऊपर जाएगा कंट्रोल, देन वो पहुंचेगा stdio.h। तो एक्चुअली इस फंक्शन ने क्या काम करना है, उसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है stdio.h, और stdio स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जी। और इस सारी स्टेटमेंट को हम टेक्निकली ये भी नाम दे सकते हैं कि दीज आर सम इंक्लूड फाइल्स, राइट। सो इस फंक्शन की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंट्रोल को stdio.h में मिली। अब रन टाइम पे कंट्रोल क्या करेगा, फंक्शन को कॉल यहाँ पे लगी हुई है और उसकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब रन टाइम के ऊपर फंक्शन की कॉल को उसकी इंस्ट्रक्शंस के साथ लिंक करने वाला कौन है, लिंकर। ये हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी है। अगर ये हेडर फाइल अगर हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी इंस्ट्रक्शंस ही stdio में पड़ी हुई हैं। तो अब रन टाइम पे क्या करेगा, देखो लिंकर लिंकिंग करेगा, जैसे लिंकिंग होगी तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और जैसे एग्जीक्यूट होगा तो आपने नोटिस किया होगा उसने हमें आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट दिखाई है। तो अब मैं इसको दोबारा से रन कर रही हूँ, तो आप देखें यहाँ पे मुझे आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ आया है वेलकम यू इन सी। साथ में आप देखें तो ये जो हमारा प्रोग्राम है इसके एंड में हमें यहाँ पे सेमी कॉलन दिख रहा है, इसे टेक्निकली लैंग्वेज में कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इट मीन्स कि कंपाइलर के लिए अब एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है और अब वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, चेक करने जाएगा। अब यहाँ पे उसे दिखा गेट सी एच। अब यहाँ पे गेट सी एच भी क्या है, एक फंक्शन है, और फंक्शन है तो इस ये क्या करता है, ये हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है या जो हमारी कंसोल स्क्रीन है उसे होल्ड करता है। अब वो कह रहा है कि इसने तब तक होल्ड करके रखेगा जब तक कि कीबोर्ड से मैं कोई की एंटर ना करूँ। जैसे मैं कीबोर्ड से कोई की एंटर कर दूंगी तो ये फंक्शन जो है गेट सी एच मीन्स गेट कैरेक्टर, तो इसे क्या होगा, वो कैरेक्टर मिल जाएगा, और जैसे उसे कैरेक्टर मिलेगा तो वो अपना काम करेगा, और अगेन ये जो हमारे सामने विंडो है ये इनविजिबल हो जाएगी, इसको वो हाइड कर देगा और अगेन हम कोड विंडो में पहुंच जाएंगे। तो ये था हमारा सबसे पहला प्रोग्राम, और अगेन ये जो गेट सी एच फंक्शन है इसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है conio.h, एंड अगेन इट स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अगेन इन दोनों को हम टेक्निकली ये भी कह सकते हैं कि दीज आर सम प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स विच आर इन द फंक्शंस जो पहले से ही हमारे पास लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं। जब भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो इनके अंदर जो भी फंक्शंस होंगे, जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो हमें पहले से ही फंक्शंस लाइब्रेरी में मिलेंगी। नेक्स्ट आप देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन कर रही हूँ, तो जैसे ही मैंने रन किया तो आपको आउटपुट दिखी, बट आप नोटिस करें यहाँ मैंने लिखा था माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये हमें आउटपुट स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, तो इसे टेक्निकली कहते हैं कमेंट। अगर प्रोग्रामर इस कोड को ज़्यादा रीडेबल बनाना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, उसे कमेंट दे सकता है। और इवन कि कमेंट का फ़ायदा ये होता है कि अगर इस कोड को कोई दूसरा भी पढ़े तो वो भी इजीली उसे अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो कमेंट क्या है कि वी कैन से दीज आर द लाइंस विच आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, जिन्हें कंपाइलर रीड नहीं करता है, बट बनाने वाले ने ये जो कमेंट है ये भी दो तरह के बना दिए हैं। ये जो मैंने दो फॉरवर्ड स्लैश के साथ कमेंट लगाया है इसे कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। हम मल्टी लाइन कमेंट भी दे सकते हैं, सपोज इन फ्यूचर मुझे एक से ज़्यादा लाइनों को कमेंट करना है तो उस केस में मैं क्या करूँगी, लाइक कुछ ऐसे, कुछ भी आप इसके अंदर मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, लाइक समथिंग कुछ ऐसा। तो अब यहाँ से लेकर इस सिंबल से लेकर यहाँ तक के बीच की सारी ही लाइनों को कंपाइलर रीड नहीं करेगा। सो ये था हमारा सबसे लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। सो दिस वाज आर द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। सो आज के लिए बस इतना।